बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हाथ की बनी हुई सेवियाँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बनी हुई हैं, कलरफुल भी हैं बीच में। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये पंजाब साइड पे मिलती हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको मिल जाती हैं तो। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें जाता है देसी घी भी डाल सकते हैं, मैं बटर डालूँगी। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कर लें, इलायची डालेंगे इसके साथ। इलायची डालेंगे, तीन चार इलायची डालें और साथ में मैं सेवियाँ भी ऐड कर दूंगी बीच में। इसको हम हल्का सा भूनेंगे। जो हमने मिट्टी के बर्तन लिए थे वो भी हमारे यूज़ हो रहे हैं साथ साथ, तो अच्छे लग रहे हैं मुझे। वैसे भी पसंद है मिट्टी के बर्तन, तो इस तरह हम उनको यूज़ भी करेंगे। हमने ज़्यादा हीट नहीं करनी, बिल्कुल मीडियम से लो हीट पे करेंगे इसको। चमचा हम मसलसल चलाते रहेंगे ताकि कलर ना इनका कहीं से डार्क ना हो जाए और कहीं से लाइट ना रह जाए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। बटर की बहुत अच्छी सी साथ में खुशबू भी आ रही है, बहुत मज़े की बनती है। ये मोस्टली पंजाब साइड पे होती हैं। अच्छा अच्छा कलर चेंज हो रहा है इसका, आप देख सकते हैं। अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है इनकी। लाइट ब्राउन खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है, तो ज़्यादा ना जल दें इसलिए हम इसमें डालेंगे पानी। इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। के ढक के पकाएंगे, ये बिल्कुल चावलों जैसी हो जाती हैं। मीडियम हीट पे इनको बनाते हैं हम। चेक करते हैं पानी को रेस्ट और काफी कूल गई है, थोड़ा सा पानी ड्राई होता है फिर हम इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है बीच में और अच्छे से और फूल जाएंगे। पानी खुश्क हो गया है और पानी नहीं है इसका, ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं पानी खुश्क हो जाता है और ये अच्छी खिली सी बन जाएंगी। इसमें हम थोड़े से अपने नट्स वगैरह आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं थोड़ी सी किशमिश डालूँगी और थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करके तो हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं फिर डिश आउट करते हैं। चेक करते हैं 5 से 7 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं कि हमारा दम आ गया है, अच्छी तरह से गल भी गई हूँ और फूल जाए। हाँ बड़ी अच्छी सी हो गई हैं, हम डिश आउट करते हैं इनको। इस पर हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे बादाम के साथ।
सेवैयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको ट्राई भी करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।